आबिदा शरिया बोर्ड में जाके पलट जाती है और मुझे उसकी उम्मीद नहीं होती है, तो इस बारे में बहस कर रहे हैं। वो बोलता है कि तुम क्यों पीछे पड़ी हो, जब उसे अपनी अपनी मजबूरी पे इतना वो नहीं हो रहा, तुम क्यों पीछे पड़ी हो। तो मैं बोलती हूँ नहीं, उसे इंसाफ मिलने की ज़रूरत है। उस पर बहसबाजी हो जाती है क्योंकि सब जानते हैं कि इन दोनों का नज़रिया एक दूसरे थोड़ा अलग है। तो हाँ, एक्चुअली है, या यू आर वेरी राइट, बिकॉज एक पॉइंट ऐसा था कि आप इतने ज़्यादा वो हो जाते हो, एक क्रेसेंडो इतना हाई हो जाता है दैट यू आर लाइक यार अगर तुझे छोड़ने ही, देन जस्ट लीव मी, नो छोड़ दे यार। तो वो उस पर पहुँच गया था। लुक, सोसाइटी विल जज यू नो मैटर वॉट। ये हम लोग के लिए भी है, ये ईशा भी बोल रही है और ये ज़ारा भी बोल रही है कि आप लोगों की परवाह करने लगोगे ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप हर किसी को रुक के जवाब दोगे तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। एंड सोसाइटी का काम है कि वो जज करेगा, नो मैटर हाउ फुल ऑफ शिट दे आर, यू नो, कि वो कैसे भी हो, लेकिन वो मुझे बोलेंगे कि अच्छा ज़ारा ऐसी है, ईशा ऐसी है, बट उन अपने आप को नहीं देखेंगे। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वही ऐसा था कि अरे तुम लोग डिवोर्स कर रहे हो, तुम लोग का डिवोर्स हो गया, तुम लोग क्यों साथ घूम रहे हो। दे हैव नथिंग टू डू विद अस, उनका कुछ लेना देना नहीं है हमसे, लेकिन फिर भी आकर पोक करना है। तो ये हम सब रियल लाइफ में भी हैंडल करते हैं, एटलीस्ट मैंने तो किया हुआ है, एंड आई एम श्योर कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो रिलेटिव के थ्रू हो या किसी आपके जो आपका वर्कर आपके साथ में, किसी ना किसी तरीके से आपने देखा होगा कि उसको अपने काम से मतलब नहीं होता, हमें आके बोलते हैं। सो सेम वही चीज़ थी। कबीर का गुस्सा होना मुझे पर्सनली जायज़ लगा, बिकॉज कोई भी इतनी हद करेगा तो उसी, कबीर का वो नेचर नहीं है, बट वो इतना इरिटेट हो चुका था, वहाँ मैं बहस कर रही हूँ, वो लोग आ जाते हैं, तो उसने फ़ोन वोन तोड़ दिया, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। इतना, हाँ, वेरी ट्रू, इज़ अ जेंटलमैन, तो उसको लगा कि चलो अब नुकसान कर दे, पैसे भी ले। तो यार ऑनेस्टली आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट कि कैसे, बिकॉज कहीं ना कहीं ज़ारा कबीर का भी रिश्ता इसमें बिगड़ रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाऊँ। लेकिन हमेशा आप एक मल्टीटास्क करना इजी नहीं होता, अपना रिलेशन भी बचा रहे हो, आप कॉम के लिए भी लड़ रहे हो, आपको घर भी संभालना है, तो कई बार ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। मुझे पुख्ता सबूत चाहिए थे, मतलब एक ऐसा सबूत चाहिए था जिससे मैं प्रूव कर पाऊँ कि ये दोनों जो है वो ढोंगी हैं और झूठे हैं। तो मैं कुछ कर रही होती हूँ, कुछ कैप्चर कर रही होती हूँ, वो लोग मुझे पकड़ लेते हैं, मैं वहाँ से भागती हूँ, वो दोनों मेरे पीछे भागते हैं, उन्हें दिख जाता है कि मैंने किया है, तो या बचते बचाते निकल गए। पर्सनली इफ़ यू आस्क ईशा देन इट वॉज़ वेरी रिस्की, बिकॉज बहुत बारिश हुई है अभी हमारे यहाँ मुंबई में, तो स्लिप हो रही थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है शाम के वक्त, इतना कंजेस्टेड उसमें चलाना, एंड यू नो कई बार डिफिकल्ट क्या होता है कि आपके सामने कैमरा चल रहा होता है, आपको थोड़ा अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है, बुरखा होता है, इट्स नॉट ईजी, पैर फंस रहा होता है, मेरी चप्पल स्लिप हुई 2-3 बार, फिसल गई, तो वो सब बैलेंस करते हुए चलना ना कई बार मुश्किल हो जाता है। ऐसी प्लेन रोड्स होती हैं तो उन पर चलाना ईजी होता है। तो आबिदा के लिए भी लड़ूंगी, सिर्फ आबिदा की लड़ाई नहीं है, वो कौम की जितनी भी औरतें इन मुश्किलों से या इन मुसीबतों से गुजर रही है, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सब के लिए लड़ रही हूँ मैं।